सर, आज 75वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, क्या कुछ संदेश रहेगा? हमारा कहना है कि हर साल हम लोग मनाते हैं, मगर इस वर्ष जो हम लोग का है गणतंत्र दिवस, अब हम लोग स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। अब भारत स्वतंत्र हुआ, पहले हम लोग अभी तक गुलामी थे, धीरे धीरे हम लोग स्वतंत्र हो रहे हैं। जैसे कि राम जन्मभूमि का, अब राम जी को स्थापना किया गया, उस समय हम लोग गुलामी के बंधन में बंधे रह गए। आज तक 75 साल पूरा हो गया, हम लोग भारत में स्वतंत्र नहीं है। इसलिए नहीं स्वतंत्र हैं कि जब हम दो भाई थे तो दोनों भाई में बंटवारा हो गया, तब दोनों भाई में जब बंटवारा हो गया तो एक भाई पाकिस्तान हो गया, एक भाई हिंदुस्तान हो गया। तो जब भाई बंटवारा कर लिया, तब हिंदू और मुसलमान, जब वो मुसलमान टोटल को ले लिए, तो हमारा भी देश का मुसलमान तो टोटल को ले लेना चाहिए। और हमारा जो बड़ा बयान दे रहे हैं हिंदुस्तान हिंदू और मुस्लिम के बीच, इसलिए दे रहे हैं, हम लोग गलत नहीं दे रहे हैं। इसलिए दे रहे हैं कि जहां पहले बाबर था, तो हमारा जहां मंदिर था, वहां मंदिर तोड़ तोड़ के मस्जिद बना दिया। उस समय हम लोग कमजोर थे, अब जब हम लोग स्वतंत्र हुए, अब स्वतंत्र हुए, 75वां साल में हम लोग स्वतंत्र हुए। हम लोग न नेता हैं और न किसी पार्टी का अवहेलना करना चाहते हैं। जो देश की स्थिति है उसके बारे में बता रहे हैं सर। 75वां गणतंत्र दिवस पूरे धूमधाम से मनाया जा रहा है देश में, क्या कुछ कीजिएगा? पहले तो आपके माध्यम से सभी देशवासियों को 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई देना चाहता हूं। और ये तो खुशी का महोत्सव है कि हमारे संवैधानिक रूप से जो 75 साल पहले हमारा संविधान बना था, और उस संविधान के तहत अब हम लोग हर एक तरह से हर एक क्षेत्र में हर एक लोगों के लिए कार्य करते आ रहे हैं, कर रहे हैं, और आगे भी होता रहे, यही उम्मीद है कि हम लोग इसी तरह अपना 100वां गणतंत्र भी मनाएं और बहुत ही विकसित राष्ट्र के रूप में मनाएं। मैडम, एक और सवाल रहेगा, आज चूंकि 75वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, ऐसे में क्या संदेश रहेगा आप समाज से भी? पहले तो मैं बधाई देती हूँ गणतंत्र दिवस की, हार्दिक 75वां गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई। और मैं यह संदेश देता हूँ कि जिस तरह राम जन्मभूमि का गृह प्रवेश हुआ, राम स्वतंत्र हो गए मेरे देश में, जो हम लोग चाहते थे वो हो गया, और स्वतंत्र हो, और मैं बहुत स्वतंत्र होके राष्ट्र में रहूं, और इसी शुभ कामना देता हूँ। चूंकि गणतंत्र दिवस की बात है और पॉलिटिक्स भी आ चुका है कि कहीं ना कहीं फिर से नीतीश कुमार पलटी मारने जा रहे हैं NDA के साथ, मैंने BJP के साथ 98% लमसम तय हो चुका है कि नीतीश कुमार BJP में जा रहे हैं, आप इसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, वो तो राजनीतिक है, अब वो लोग अपना राजनीति करते हैं, तो उसमें जो सही है उनको अब लग रहा है कि हम गलत जगह पर आ गए थे, अब सही जगह पर हम जा रहे हैं, तो इसके लिए उनको भी बधाई देती हूँ कि अब उनको ये तो हुआ ना कि अब हम जगह पर जा रहे हैं, तो अब वो आवे स्वागत है। तो देख सकते हैं कि अभी हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी लोग भी हैं, कुछ सर्विसमैन भी हैं, कुछ समाजसेवी भी हैं, इनसे आज चूंकि पूरा देश गणतंत्रता दिवस 75वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, ऐसे में बिहार में भी राजनीतिक हलचल तेज हो चुका है कि कभी भी नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं, कभी भी NDA के साथ जा सकते हैं। सर, सबसे पहले आपको गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई, और गणतंत्र दिवस पे क्या कुछ कहिएगा? सर, प्रथम तो मैं अपने प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को यह कहना चाहूंगा कि उन्होंने राष्ट्र के विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के जनमानस का जागृत किया और एक नई दिशा दी जी। और
22 जनवरी को राम विग्रह प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब देश के लोगों के अंदर एक नई जिज्ञासा उत्पन्न हो गई है कि उस प्रतिष्ठा को हम लोग विगत आने वाले 2047 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में देने का संकल्प लें। सर, आप चूंकि बुजुर्ग भी हैं, राजनीति को भी करीब से गमते हैं और तापमान भी देख सकते हैं, सुबह कुहासा था फिर तापमान मैंने पूरा गर्म हो चुका है, ऐसे में बिहार की भी राजनीति गर्म हो चुकी है, इसको आप किस प्रकार से देखते हैं? क्या नीतीश कुमार को फिर से चले जाना चाहिए एनडीए के साथ या फिर महागठबंधन में ही रहना चाहिए? नहीं, एनडीए के साथ तो नीतीश कुमार को लेना ही नहीं चाहिए। वो जो पलटू राम उनका नाम है, वो उनके ऊपर कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। यह मेरा अपना दृष्टिकोण है। नीतीश कुमार अब जनता के अग्रणी करने का उनके पास अब कोई न साधन है न बुद्धि है। वो अब बुद्धिविहीन हो चुके हैं। अब उनको राजनीति से ही संन्यास ले लेना चाहिए, तभी जो है तो बिहार का विकास आगे होगा। बिहार के विकास में उन्होंने जो योगदान देना चाहिए वो नहीं हो सका। लेकिन सर, आप भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने वो बढ़ चढ़ के काम किया है, चाहे 2005 से 10 की बात करें, मैंने भय मुक्त बिहार को देने का काम किया। हाँ, भय मुक्त बिहार को देने का काम तो किया था, लेकिन आज पुनः बिहार जो है तो भय युक्त हो गया है। जगह जगह चोरी डकैती लूटपाट हत्या का सिलसिला जारी हो गया है। इस आज के तारीख में बिहार भयमुक्त नहीं है, भययुक्त हो गया है। तो देख सकते हैं समाज सेवी हैं कितना गर्म है नीतीश कुमार पे, कि नीतीश कुमार को खास करके बीजेपी को तो लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी जो राजनीति है कहीं ना कहीं इधर उधर की राजनीति रहती है। और भी हमारे साथ थे, सर क्या नाम हुआ? गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई सभी आपको भी बधाई, सभी लोगों को बधाई। हमारे देश का ये बहुत गौरव का क्षण है कि हम 75वें गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत आभार रहेगा, धन्यवाद रहेगा सभी लोगों की। ये हमारे लिए खुशी का ये दिन है। 75वां गणतंत्र दिवस झंडा तोलन हो चुका है, ऐसे में बिहार की भी राजनीति कहीं ना कहीं गर्म है, इसको किस प्रकार से देखते हैं? नीतीश कुमार कभी भी पलटी मार करके एनडीए में जा सकते हैं? देखिए, नीतीश कुमार जो हैं ये लगातार कोशिश में तो लगे हुए हैं कि हम एनडीए के साथ जाएं, क्योंकि उनका एनडीए गठबंधन है उनसे उनकी बन नहीं रही है, और बन नहीं रही है तो वो चाह रहे हैं जो सीट का बंटवारा है ये उनका तय नहीं हो पा रहा है कि कितना उनको मिलेगा और कितना हमको मिलेगा, ये वो तय नहीं हो पा रहा है। इस वजह से थोड़ा सा पेच फंसा हुआ है। तो वो लालू जी खुद अपने लड़के को चाह रहे हैं कि हम अपने लड़के को हम आगे बढ़ाएं। नीतीश जी चाह रहे हैं कि अभी कम से कम लोकसभा चुनाव तक रुके, लेकिन वो अड़े हुए कि नहीं, हमारे बच्चे को मुख्यमंत्री अभी ही बना दिया जाए। लेकिन इसी बात को लेकर के सीट बंटवारा का पेच फंसा हुआ है। जेडीयू बार बार कह चुकी है कि हमारा जो गठबंधन है वो आरजेडी के साथ है, न कि हमारा गठबंधन कांग्रेस के साथ है। अगर हम अगर सीट का बंटवारा करेंगे तो हम आरजेडी से करेंगे, और आरजेडी चाह रही है कि नहीं, इसमें कांग्रेस का भी को भी सीट जेडीयू से ही कुछ सीट को काट करके दिया जाए। इसी वजह से उन लोगों का सीट का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि आप युवा हैं, ऐसे में क्या सोचते हैं बिहार की राजनीति किस तरफ करवट ले रही है? क्या नीतीश कुमार को महागठबंधन में ही रहना चाहिए या फिर एनडीए में चले जाना? अगर नीतीश जी को अगर देखेंगे, कल ही एक वरिष्ठ प्रशांत किशोर जी का बयान आया था कि अगर नीतीश जी अगर एनडीए गठबंधन के साथ अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो बिहार में 5 सीट से ज्यादा वो नहीं जीत पाएंगे। तो नीतीश जी भी ये सब चीज देख रहे हैं कि पब्लिक में रोष है, तो वो सोच रहे हैं कि नहीं, हमको जाना चाहिए, एनडीए के साथ जाना चाहिए। अगर एनडीए के साथ वो जाएंगे तो वो समझ रहे हैं कि हम 14-15 सीट उसमें हम जीत सकते हैं। इस वजह से वो एनडीए की तरफ उनका झुकाव कल से बड़ा है, जब से कर्पूरी जी को भारत रत्न का दिया गया है तब से वो उनका सूर भारत रत्न का मैंने दिया गया तो तब से उनका सूर जो है वो मिला नहीं है, घोषणा हुआ। हाँ, तो वो उनका जो बयान है वो बदल गया है। इस वजह से वो चाह रहे हैं कि हम एनडीए की तरफ आए, और वो अभी बैठक का दौर चल रहा है। आगे अभी अगले 24 घंटे बहुत अहम है, उसमें आपको पता चलेगा कि क्या होगा। तो 48 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं, ऐसे में कुछ लोग और हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, आप बिहार की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि बिहार से यूपी, यूपी के रास्ते होते हुए दिल्ली पहुंचती है, ऐसे में पूरा गहमा गहमी तो है, लेकिन जनमानस की भावना है कि हमें नरेंद्र मोदी को सरकार में फिर से लाना है, क्योंकि
विगत 9.5 सालों में 10 साल जो सरकार ने काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। सभी क्षेत्रों में विकास का काम किया, कोई धर्म मजहब से बांट करके काम नहीं हुआ। अगर कुछ बना है तो सभी लोगों के लिए बना है, सभी लोगों के लिए कार्य हो रहा है, तो इसको देखते हुए कर रहा है। और जहाँ तक रही बिहार की बात, तो नीतीश जी का हमेशा से ये गठबंधन रहा है एनडीए के साथ। वो अपने कुर्सियों के लालच में वो दूसरे दल के तरफ चले जाते हैं, लेकिन उनका संविधान जो भी स्वाभाविक गठबंधन है वो एनडीए के साथ ही रहा है। 2005 में भी था, 2010 में भी था। एक सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या नीतीश कुमार को बीजेपी में चले जाना चाहिए या महागठबंधन में? ठीक ठाक, ये तो नीतीश जी ही बता सकते हैं कि आप आम पब्लिक हैं, आम पब्लिक का क्या दिमाग में। आम पब्लिक ने तो गठबंधन को ही दिया था, एनडीए गठबंधन को ही सरकार बनाने के लिए दिया था 2020 में मत, महागठबंधन को तो दिया नहीं। तो एनडीए में संवैधानिक व्यवस्था के हिसाब से बिहार की जनता तो चाहती ही थी कि एनडीए की सरकार चले। नीतीश जी खुद चले जाते इधर। अब नीतीश जी अगर इधर आते हैं तो अलग चीज वाली बात है, लेकिन ये भी तो कटु सत्य है, नीतीश कुमार कहीं ना कहीं महागठबंधन में आए हैं। जब से नौकरी देने का पूरा समझिए कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव कहते हैं कि चट नौकरी ऐसा तो होता नहीं है, चट नौकरी पट में वो तो एक पेन से ही देने वाले थे कि पहली कैबिनेट डिसीजन से ही देंगे। लेकिन जो भी नौकरी की जो सिलसिला चल भी रही है, जो भी कुछ है, वो पूर्व से ही सरकार ने जो चलाते आए हैं, और जो भी वैकेंसीज थी उसको जो भी आप जानते हैं, आप पत्रकार हैं ये भी देखते हैं कि कोई भी चीज़ तुरंत नहीं होता है। कोई भी चीज़ पूर्व में किया गया होता है उसको सामने दिखता है कि हाँ हमारे पास बैकलॉग इतना है, पहले से सरकार ने बैकलॉग इतना बना के रखा था कि शिक्षक की इतनी भर्ती हमें लेनी है। सरकार ठीक है चेंज हो गई, भाजपा सरकार भी रहती है, एनडीए सरकार भी बन रहती है, तो वो भी इस तरह की वैकेंसी निकालती, वो भी सरकार को देना ही, तो वो भी 17 लाख रोजगार देने वाली थी। तो दोनों इस तरह से बोल के आए ही थे, सत्ता में आए ही थे कि हमें इस तरह से करना है, तो ये तो नॉर्मल चीज है। और वैकेंसी बैकलॉग अगर है तो उसको तो कोई भी सरकार रहेगी तो उसको पूरा करेगी। तो देख सकते हैं बिहार की राजनीति कितना गर्म है। आज हमारा पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है, ऐसे में अगले जो 48 घंटे होने वाले हैं बेहद नाजुक होने वाले हैं महागठबंधन सरकार के लिए। ऐसे में कहीं कयास ये लगाया जा रहा है कि 98% लमसम ये गठबंधन, जो महागठबंधन की सरकार बिहार में चल रही है, वो टूट चुकी है। बस 2% बीजेपी के तरफ से या जेडीयू के तरफ से औपचारिकता होने वाली है। कैमरामैन राजमणि के साथ मनीष कुमार, पब्लिक लाइव, बिहार, पटना। सर आज 75वां गणतंत्र दिवस पूरा देश मना रहा है, क्या कुछ संदेश रहेगा? हमारा कहना है कि हर साल हम लोग मनाते हैं, मगर इस वर्ष जो हम लोग का है गणतंत्र दिवस, अब हम लोग स्वतंत्रता की ओर बढ़ रहे हैं। अब भारत स्वतंत्र हुआ, पहले हम लोग अभी तक गुलामी थे, धीरे धीरे हम लोग स्वतंत्र हो रहे हैं। जैसे कि राम जन्मभूमि का, अब राम जी